Hi students, this is KD sir. Once again, we are doing the trigonometric video third, right? Today we are going to see trigonometric ratios of complementary angles, right? Let us see. Now take right angle triangles ABC. Okay, this is right angle triangle ABC. Now A and C are complementary angles to each other. The sum of two angles is 90, then those two angles are called complementary to each other. Right? So this A and C are here complementary. Now, first, if we take sine A, let's see for A, if we get the ratios for sine A will be sine A is equal to opposite upon hypotenuse, that is BC upon AC, right? For cos A will be cos A, that is AB upon AC. Okay, now for sec cos A K, it will be reverse of this, that is AC upon BC, or for sec A, it will be AC upon AB. Right, now for tan A, it will be sin A upon cos A, that is sin A is equal to opposite upon adjacent, that is BC upon AB. BC upon AB. Cot A will be reverse of this, that is AB upon BC. ये छह रेशियोज हैं, बराबर है? ये छह रेशियोज जो है हम नॉर्मली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लिखते हैं. Now, as we know that these two angles are complementary to each other. So can we write it this way? Angle A plus angle C is equal to 90. Right? Now, angle C is equal to 90 minus angle A. 90 minus angle A. So let us write this way. C is equal to 90 minus A. So jahan C hai, wahan pe main 90 minus A consider karta hun. 90 minus A. So राइट अब हम इन का सी की जगह पे 90 माइनस ए का रेशियोज देखते हैं. लेट अस सी यर साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या आएगा. अब यहां से आपको देखना है, यहां से आपका ऑपोजिट साइन अपॉन हाइपोटेन्यूस. वापस बोल रहा हूं, यहां से अगर आप देखते हैं तो इट इज ऑपोजिट साइन अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी. लेकिन ए बी अपॉन ए सी क्या आया था, दैट इज कॉस ए. तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस ए, ये हमारा पहला लेटर है. तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, याद रहेगा आपको साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए. वैसे ही चलो सेकंड लिख लेते हैं, कॉस 90 माइनस ए क्या आएगा. कॉस 90 माइनस ए, cos 90 minus a यहाँ है, तो adjacent upon hypotenuse, that is BC upon AC, right? लेकिन BC upon AC क्या था? sin A. तो ये देखिए, ये आ गया आपका sin A. cos 90 minus a is equal to sin A. Okay, now sec 90 minus a. अब sec 90 minus a क्या है देखिए, sec 90 minus a यहाँ से देखना है. sec 90 minus a है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट मतलब एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी. लेकिन एसी अपॉन बीसी क्या है जरा देखिए, तो ये देखिए कोसेक ए, तो यहां पे लिख दीजिए कोसेक ए, राइट. और उसके बाद एक है कोसेक ए, कोसेक ए क्या आएगा, वापस वही हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट है, हाइपोटेन्यूस मतलब एसी अपॉन एबी, एसी अपॉन एबी. लेकिन एसी अपॉन एबी क्या था देखिए, एसी अपॉन एबी तो सेक ए है, तो है सेक ए. ओके, दिस इज योर अनदर डिराइव फॉर्मूला. अब रहा टू टेन ए, टेन ए टेन 90 माइनस ए, और आपको पता है टेन 90 माइनस ए ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो एबी अपॉन बीसी, AB upon BC. लेकिन AB upon BC क्या था जरा देखिए, तो cot
a, राइट। और वैसे ही cot 90 माइनस a इज इक्वल टू दिस विल गिव adjacent upon opposite, that is BC upon AB, that is tan A, right? So this way we got these complementary angles, right? Ratios of the complementary angles, right? ये आपको sums करने में काफी काम आएगा, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो अगर आपका concept clear होगा तो आपको कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो दिस इज अवर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, एबी अपॉन बीसी की जरूरत नहीं है, आपको खाली यही फॉर्मूला याद रखना है, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन है, राइट। और फिर उसके बाद सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए के, और कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, इसी तरह यहाँ पे देखिए, राइट, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, आपको ये रेशियो की भी जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर इफ इट इज टेन 90 माइनस ए दैट इज कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए दैट इज टेन है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड, इट वॉज द इजिएस्ट वे, राइट, टू एक्सप्लेन, एंड आई होप नाउ यू कैन डू द सम्स इजिली। अगर कुछ क्वेरी है प्लीज कमेंट्स में लिखिए, कोई सम्स का कोई प्रॉब्लम्स आल्सो है तो यू कैन इवन राइट टू मी, आई विल एक्सप्लेन यू, आई कैन व्हाट्सएप यू आल्सो, राइट। तो आप बेझिझक आप कभी भी कोई भी क्वेरी लेके मेरे पास आ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आपको ये जो नोटिफिकेशन वीडियोस जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आपको अगला वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक का होगा वो आपको पता चल जाए। ओके, थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू, बाय।